हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मैं हूं आपके साथ काजल चंदेल। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में जो है वीकेंड लॉकडाउन लग गया है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से फरीदाबाद के जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, उनमें भी डर देखने को मिल रहा है। उन्हें भी शायद ऐसा लगने लगा है कि उन्हें भी लॉस हो सकता है। देखिए व्यापार, जितने भी दुकानदार है, सर क्या लगता है कि दिल्ली में जो वीकेंड लॉकडाउन लग गया है, ऐसा कोई डर सता रहा है कि फरीदाबाद में भी ना लग जाए? मैडम वो तो ऑलरेडी लगेगा ही, क्योंकि हाँ पक्का लगेगा। तो उससे डर वर नहीं लग रहा? डर तो है ही मैम। हाँ। बच्चों का डर है। हाँ। फैमिली में पूरे हैं। हाँ। वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, और मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को टाइमिंग बढ़ा देना चाहिए। मॉर्निंग में कम कर देना, इवनिंग का बढ़ा देना चाहिए। इवनिंग मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको लॉस हो रहा है? लॉस तो मैडम पूरा ही हो रहा है। हाँ। लॉस पूरा ही हो रहा है। हाँ। एक वैसे लॉस हो रहा है कोरोना की वजह से, एक बारिश की वजह से। देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग गया, जिसको मैं मिनी लॉकडाउन के तौर पर भी आपसे कह दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ एसेंशियल चीजें ही अलाउड रहेंगी, बाकी सब बंद रहेगा। या फिर मैं आपको बता दूं प्राइवेट ऑफिसेज जो है वो 50% के साथ ही उसी क्षमता के साथ जो है खुलेंगे। व्यापारी यहाँ मौजूद है, आप ये आपकी भी कपड़े की दुकान है यहाँ पर। देखिए हरियाणा के 5 जिलों में 5 बजे तक बाजार बंद करने के ऑर्डर हुए। कहीं ना कहीं हरियाणा के 5 जिलों में जो बाजार बंद करने के ऑर्डर हुए उससे नुकसान था, और अब ऐसा तो डर तो नहीं सता रहा कि दिल्ली में जैसे वीकेंड कर्फ्यू लग गया यहाँ पर भी ना लग जाए? डर तो मैडम सबके पास ही है, सबको सताएगा भी और डर है भी। लेकिन अगर देखो जैसे ये कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी तो करें। वीकेंड में कोरोना आ जाएगा और उसके बाद कोरोना भाग जाएगा। अच्छा, वीकेंड में कोरोना आ जाएगा, उसके बाद भाग जाएगा, आप क्या कहते हैं सर? किसी पूछिए, ऐसा कोई डर सता रहा है कि यहाँ पर भी कोई वीकेंड कर्फ्यू ना लग जाए? ना, मैं तो उत्तर प्रदेश से, यूपी से, वहाँ चुनाव है, वहाँ पर भी कोरोना है, तो यहाँ कहाँ से आएगा? अच्छा नहीं, यहाँ मैं क्या पूछ रही हूँ, यहाँ डर, यहाँ आपकी दुकान है तो ऐसा कोई डर है लॉस का? नहीं, डर तो मैं, माल तो सारा दिल्ली से ही आता है, डर तो वही मैं पूछ रही हूँ, डर तो पूरा ही है भाई। जब दिल्ली से हमारा सारा सामान आता है तो डर तो यहाँ पूरा ही पूरा है। अच्छा, वीकेंड वहाँ पे कर्फ्यू लग गया यानी दिल्ली से तब माल भी नहीं आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, मतलब पूरा फर्क तो दिल्ली और फरीदाबाद में दूरी कितनी है। बहुत लॉस हुआ है इस चीज से, हमें मार्केट में बहुत फर्क पड़ा है कोरोना की वजह से, और ये जो टाइमिंग रखा गया है उससे भी बहुत फर्क पड़ा है। हाँ। क्योंकि कस्टमर का आने का टाइमिंग जो है शाम का ही होता है। अच्छा। ठीक है, मॉर्निंग में सुबह सुबह कोई कस्टमर नहीं आता। अच्छा। आप 11 to 5 कर दिया है, यानी किसी फायदे में नहीं हुआ, लॉस ही लॉस है मैम। लॉस ही सरकार की नजर में तो कोरोना रात को सोता है। अच्छा। और दिन में जगता है, यानी हम लोगों के नुकसान के लिए कोरोना है और सरकार के लिए फायदे में होता है, दिन में जगता है। हाँ, अच्छा, रात को तो सो जाता है 10 बजे के बाद में। आप भी समझ आ रहे, देखिए अदरवाइज हमारे पास तो दुकान ही है। ठीक है, यहीं से हम अपनी फैमिली का, बच्चों की, जो हमारे यहाँ जॉब करते हैं, यानी आप लॉस में हैं। देखिए आपको बता दूं, ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट में हूँ। पहले भी इन्होंने जैसा बोला कि कोरोना जो है इन्हें कहीं ना कहीं इन्हें लॉस देने के लिए ही सरकार की नीतियाँ, ऐसा दुकानदार यहाँ पे हमें कह रहे हैं, और दुकानदारों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं। आपकी शॉप है यहाँ पे? शॉप है आपकी, है ना? ये बताओ, दिल्ली में जो है वीकेंड कर्फ्यू लग गया है, इससे कहीं ना कहीं दुकानदारों को कोई लॉस हो रहा है? नहीं मैडम, नहीं हो रहा है। चेहरे से खुश तो नजर नहीं आ रहे हो आप। खुश से क्या, आप ऐसी हालत देख रहे हो कैसी हो रही है? बुरा हाल हो रहा है, तो क्या कर सकते, गरीब इंसान तो पिसा जाएगा ही। पिसा जाएगा। माल कहाँ से आता है? दिल्ली से आता है, तो दिल्ली में अब तो वीकेंड कर्फ्यू लगा तो उससे भी लॉस होगा, लॉस होगा। इधर काम ही नहीं रहेगा तो दिल्ली से जाने के क्या फायदा? देखिए आपको फिर से बता दूं कि ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट में हूँ, दुकानदारों के चेहरे एकदम मायूस, कहना ये कि दिल्ली से सामान आता है और अभी वैसे ही 5 बजे दुकान बंद करना पड़ता है, और उसके बाद अब दिल्ली से भी सामान नहीं आ पाएगा, तो कहीं ना कहीं लॉस जो है हो रहा है। क्या लगता है, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग गया है, ऐसा कोई डर सता रहा है कि यहाँ भी ना लग जाए? मैडम कब लगाए वो? कल ही लगाए, कल लगाए। तो मैडम यहाँ तो अपने आप ही लग जाएगा 2 दिन बाद। डर, ऐसा डर है कोई? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। मतलब लॉस में नहीं आप? मैडम लॉस में होंगे तो गवर्नमेंट कौन सा खाने के लिए दे देगी हमें? ये बताओ आप, इस मारे जैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है जी। अच्छा। गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा देगी, जब भी रोटी खा के सोएंगे। आज 5 बजे से सुबह से लेकर तो दुकान में खोल के बैठे हैं। ये रखिए सुबह की सेल, दिखाना दिखा दो, ये नहीं दिखाने, दिखा दो,
1200 रुपए की सेल है, अब वीडियो दिखाएंगे जी, जितने 12000 की हो जाएगी ये सेल उस दिन वीडियो दिखाएंगे, सीधी सी बात है जी। और जब जो मरेगा वो मरेगा ही, सीधी सी बात है मैडम, टेंशन लेने वाली बात है नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, रोटी जब भी खा रहे थे और अब भी खाएंगे, बीमारी बढ़ेगी जब भी खाएंगे। मतलब ऐसा आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि 5 बजे दुकान बंद करने से बहुत परेशान हो आप। मैडम क्या करा जाए, क्या करा जाए आप ये बताओ। यदि मैं यूँ कह दूँ, वैसे 8 बजे का टाइम मिलना चाहिए, सुबह 11 बजे खुले और शाम को 8 बजे। लेकिन अब तो वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया ना, वही पूछ रही हूँ कि डर लग रहा है। 8 बजे की छोड़ो आप, ठीक है जी, गवर्नमेंट यूँ कह देगी दुकानें बंद, जब भी रोटी खाएंगे, सीधी सी बात है मैडम। आप क्या कहते हो, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा है, डर सता रहा है फरीदाबाद में भी ना लग जाए? ऐसा कुछ नहीं है, फरीदाबाद में ओके स्थिति थी और ये दुकानदारों को नाजायज करा जा रहा है, 10 से लेके कम से कम 7 बजे तक होना चाहिए। होना चाहिए मतलब आप 100% कह रहे हो कि एक 5 बजे बंद करने से लॉस हो ही रहा है? लॉस हो रहा है। और सुनो, सुबह खोलते हैं 11 बजे कस्टमर निकलता है, 10 बजे आता है, 10 बजे रखो। कहने मतलब ये है, मैं आपको सच्चाई बताऊं, चाहे सुबह का टाइम ये 12 बजे का कर दें, उस चीज की परेशानी नहीं है, नहीं उस शाम का टाइम है ना, जो 5 की जगह 8 का कर दें, 8 का कर दें। गवर्नमेंट ये कहेंगे ना सुबह 12 बजे शटर खोलना है, तो 12 बजे शटर खुल जाएगा। 8 का कर दे आपकी मांग है, लेकिन अभी तो 5 बजे है और दिल्ली में जो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि वीकेंड कर्फ्यू लग गया तो आपका माल वहाँ से आता है, माल दिल्ली से आता है? वो तो परेशानियाँ सब सॉल्व हो जाती हैं धीरे धीरे, चाहे दिल्ली। माल कहाँ से आता है आपका? माल गांधीनगर दिल्ली, दिल्ली से ही आता है। तो अब तो वीकेंड कर्फ्यू लगा, अब तो पहले आ जाता है ना माल। अच्छा, मतलब वो वीकेंड कर्फ्यू से कोई लॉस नहीं होने वाला? टेंशन नहीं है, डर नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा है कोई डेली कोई दिल्ली नहीं जाता, 4-6 दिन का स्टॉक लेके चलता है। दिल्ली से जो माल आता है ना, व्यापारियों को जाने की जरूरत नहीं है, व्यापारी फोन पे माल मंगा लेते हैं, होलसेल व्यापारियों को कोई परेशानी। अगर मान लो वीकेंड में आप अपना सामान मंगाते हो, कोई ऐसा डर है कि अगर यहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू लग गया तो पूरे वीकेंड में आपकी शॉप नहीं खुलेगी फिर? मैम वीकेंड में एक्चुअल में देखो, एक मिनट रुको अभी, आप मैं आपको बताता हूँ आपका जो कहना चाह रहे हो, पहले मैं खुद ही वो ही नहीं हूँ। हाँ अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं पूछ रही हूँ ऐसा कोई डर है कि यहाँ वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगेगा, क्योंकि फिर पूरा आपका शॉप जो वीकेंड में बंद रहेगा? देखो मैम, वीकेंड का तो देखो होना भी चाहिए, चाहे कोरोना हो या ना हो, सबसे पहली बात वीकेंड ऑफ तो एक व्यापारी का होना चाहिए। आपकी दुकान है यहाँ? मैम मेरी दुकान ये शूज की है। अच्छा, यस। तो वीकेंड होना चाहिए बंद? वीकेंड तो रेगुलर मतलब हफ्ते में एक दिन का तो ऑफ होना ही चाहिए। आप कुछ ज्यादा प्रॉफिट में लग रहे हो मुझे। मैम प्रॉफिट में कुछ नहीं है, ये तो वीकेंड संडे हमारा ऑफ रहता है, वो तो मतलब सरकार है हमारी कुछ करती नहीं है। संडे तो रहता है, सैटरडे भी हो जाए साथ में। सैटरडे तो मैडम तो बीमारी का उससे होगा, वैसे तो होगा नहीं। और रहेगी बात अब दिल्ली की, आप कह रहे हो दिल्ली वीकेंड ऑफ है, तो दिल्ली तो क्या होता है मैडम, व्यापारी जितने भी हैं फोन पे माल मंगाते हैं मोस्टली, तो व्यापारी दिल्ली बहुत ही कम जा रहा है फिलहाल तो। अच्छा। और रहेगी बात देखो, अब आप कह रहे 5 बजे 8 बजे, सबसे पहले हमारी मार्केट के अंदर कोई भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण भीड़ लगती है। अच्छा। हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहले पार्किंग की व्यवस्था दे दुकानदारों के लिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग ये कहना चाह रहे हो कि नीतियाँ जो है आपके पक्ष में नहीं हो रही है, आपको लॉस ही लॉस दे रही है? मैडम देखो, मैंने आपसे कही तो थी ये 1200 रुपए की सेल हुई है तो भी गुजारा करेंगे, कल ये 12000 की हो जाएगी तो भी गुजारा हो जाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा। बात ये नुकसान की बीमारी की, देखो जी ये तो बीमारी लोगों ने कोशिश कर रहे हैं, तो मोदी का काफला ही रोक दिया लोगों ने, पब्लिक जब गवर्नमेंट जब भी कुछ नहीं कर पा रही। एक बार बताओ, जो ये रैलियां हो रही है, काफला रोक दिया लोगों ने, सुनो कोई बात नहीं मैडम, किसी के दिमाग की ना कुछ नहीं पता, कुल मिला के ये है, उसमें क्या बात है, क्या दिक्कत है? उसी की शॉप है यहाँ पर, आपकी भी शॉप है मैडम? जो ये रैलियां हो रही है, बीमारी सुनो सुनो, जो ये रैलियां हो रही है चारों तरफ, उन पे पाबंदी क्यों नहीं लग रही? बस जहाँ 20-20 हजार एक से ऐसे खड़े हैं, वहाँ पाबंदी क्यों नहीं लग रही? आप बदलाओ, दुकानदार 10 मिनट लेट हो जाता चलान। मैडम एक मिनट और लूंगा आपका। मैडम मुझे अगर छोटी सी बात का जवाब दे दो, चाहे आप दे दो चाहे कोई भी दे दे, ये नगर निगम वाले आए, सरकारी महकमा आया, दुकान अंदर कर लो, ये तोड़ लो वो तोड़ ली, दुकानदार तो मर गया लेकिन लोग मंडी नहीं हटाई जा रही, सब्जी मंडी लगी। मैडम मैं बीमारी की तो बता रहा हूँ मैं आपको, ये बीमारी के पीछे तो दुकान अंदर करवा दी, चाहे नगर निगम अफसर नया गया उसने करवा दी, ये मंडी लगी पड़ी 29 की, ये नहीं हटाई जा रही, नहर के पुल पे जा कौन कह रहा हट गई? देखिए बता दू, देखिए आपको बता दू, ओल्ड फरीदाबाद के मार्केट में हूँ, आप देखिए दुकानदार जो है खासा परेशान नजर आ रहे हैं, आपकी भी शॉप है, आपसे बात हो गई मेरी, दोबारा कर लो बिल्कुल करूंगी, आती होगी। देखिए
ये वो दुकानें हैं, 5 बज गए हैं, दुकानें बंद हो रही हैं। दुकानदारों का कहना ये कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनको लॉस दे रही है। और आपको फिर से बता दूं, ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट में हूँ, आपकी भी दुकानें हैं यहाँ पर? आपकी भी दुकानें हैं? क्या कहोगे, दिल्ली में वीकेंड जो कर्फ्यू लग गया उसकी वजह से लॉस, डर ऐसा सता रहा है कि यहाँ भी ना लग जाए? हाँ, हो सकता है। हो सकता है, डर है इस बात का? हाँ, डर है। और नुकसान ना हो जाए? नुकसान ना हो जाए, ये तो है। वैसे अभी हो रहा है नुकसान? अब तो खैर इतना नहीं है, खैर अब ठंड भी है, कोई ऐसी वो नहीं है। वैसे बीमारी तो बढ़ी रही है काफी ज्यादा, तो मतलब वीकेंड कर्फ्यू लगने का डर है? हाँ जी, साफ डर है। ओल्ड फरीदाबाद के व्यापारियों को, दुकानदारों को डर है। आपकी भी शॉप है यहाँ पर? नहीं मैडम, हम तो खाली वो हैं। देखिए, आपकी भी शॉप है यहाँ पर? हाँ जी। क्या कहते हो, डर सता रहा है कि यहाँ पर भी वीकेंड कर्फ्यू ना लग जाए? हाँ, डर सता रहा है वैसे। ये तो 5 बजे का टाइम है, 5 बजे कोई टाइम तो है नहीं। या तो 7 बजे कर दो या 6:30 बजे कर दो, 5 बजे के अपना घर में रहे ना, बाहर रहे, बीच में ही रहे। अगर वीकेंड हो गया तब तो वो सही हो जाएगा ना? वो सही हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। इसी बार नहीं, 5 बजे भी रहेगा और वीकेंड भी हो जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर क्या करेंगे, फिर बंद होना पड़ेगा, और क्या होगा, भीड़ तो बंद होना पड़ेगा घर में। ऐसा नहीं है कि 5 बजे तक का हट जाएगा, वो भी रहेगा और साथ में आपको वीकेंड भी बंद हो जाएगा। अच्छा, घूमना बंद हो जाएगा तो फिर मतलब हो जाएगा? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, अगर ऐसा कोई डर सता रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना क्या होगा, ऐसा कुछ ही नहीं है। ऐसा तो महामारी यहाँ तो चल रही है, और जगह हमारे यहाँ तो ऐसा महामारी तो है ही नहीं ऐसे। देखिए, फिर से बता दूं, ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट में मौजूद हूँ। दुकानदारों का कहना ये कि या तो हमारा समय बढ़ा दो, और डर कहीं ना कहीं दुकानदारों में। आप देखिए, पुलिस भी यहाँ से जा रही है, शटर जो है सबके बंद करवाए जा रहे हैं, कई दुकानें बंद हो चुकी है, दुकानें बंद हो रही है। दुकानदारों का सवाल ये कि क्या कोरोना 5 बजे के बाद नहीं आता, या फिर रात में एक्टिव हो जाता है और दिन में सो जाता है? ये दुकानदारों का बड़ा सवाल। और दूसरा ये कि उनका कहना ये कि अगर वीकेंड में भी यहाँ पर कर्फ्यू लग गया तो लॉस ही लॉस होगा। कई दुकानदार इस चीज के पक्ष में भी है, तो वही कई दुकानदार इसके पक्ष में नहीं है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अगर आप भी दुकानदार हैं, आपकी भी कोई शॉप है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा। इसी के साथ बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज 100। मैं काजल चंदेल, साथ ही शालिनी पांडे के साथ सिटी न्यूज के लिए।